नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर फरखाबाद। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज एक शादी समारोह में पहुंचे फरखाबाद। साक्षी महाराज ने सपा व इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन बनाया गया, उसको तार तार होने की शुरुआत है। इंडिया गठबंधन बनाया गया है जिसको मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई वह सब इकट्ठे हो गए हैं जिनका जेल इंतजार कर रही है, और कहा कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास केवल एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाओ। स्वामी प्रसाद कहते हैं रामायण हटाओ, हिंदू था ही नहीं। इंडिया गठबंधन हिंदुओं के विरोध में खड़ा है या मोदी हटाओ के? इंडिया गठबंधन में अभी तक नेता का चुनाव नहीं हुआ है, जिस दिन नेता का चुनाव हो जाएगा गठबंधन तार तार हो जाएगा। वहीं कहा कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा कि सपा को साफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर्याप्त हैं। और क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव तो अब इंडिया जो घमंडिया गठबंधन बना था उसके तार तार होने की शुरुआत है। पीडीए का खंभा पकड़ लिया उन्होंने। असल में जिन लोगों ने ये इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसको मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूँ, ये स्थिति है चोर चोर मौसेरे भाई, वो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं जिनका जेल इंतजार कर रही है। इनके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई इनके पास एजेंडा है। अगर कोई एजेंडा है तो एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। क्यों हटाओ, इसका उत्तर नहीं है तो खड़गे बोल देते हैं इसलिए हटाओ कि मोदी आ गए सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। स्टेलिन बोल देता है कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म करो। अखिलेश के स्वामी प्रसाद कभी रामायण के पन्ने फाड़ते हैं, कभी कहते हिंदू था ही नहीं। तो अगर कुछ ये करते हैं तो हिंदू के विरोध में ये इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, या खड़ा हुआ है मोदी हटाओ। उत्तर नहीं है क्यों हटाओ। अच्छा, मोदी हटाओ तो लाओ किसको? जिस दिन ये इंडिया गठबंधन वाले नेता का चयन कर देंगे उसी दिन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा, कहीं इकट्ठा नहीं रहने वाला। तो ये कुछ भी नहीं है, नाटक है, देखने में अच्छा लगता है। तो 2024 के चुनाव घोषणा से पहले तक इस नाटक को देख लीजिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। पीडीए को क्यों ले आए आप, सब क्या कर रहे हैं? हम वो जब तक चुनाव होगा 2024 का तब इस प्रकार से पता नहीं कितने गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे, क्या क्या होगा, देखते जाइए क्या क्या होगा। रथ प्रधानमंत्री जी का मथुरा की तरफ मुड़ गया है, तो मथुरा की बारी है। तो मथुरा की बारी, मैंने कहा ही था कि हमने हमारा जो एजेंडा था उससे ज्यादा हमने काम करके दिखाया पार्टी ने। मथुरा में बहुत जोर से विकास कार्य हो रहा है, और आने वाले समय में जब कहा था ना भगवान कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तो देवताओं से कहा जिसको जहाँ जगह मिले जा करके अपना अवतार ग्रहण कर लो, चाहे पशु बनो, चाहे गाय बनो, चाहे बैल बनो, चाहे वृक्ष बनो। तो इशारा है कि जिसे मथुरा वृंदावन ब्रजवास चाहिए, अगर इंच दो इंच जमीन लेनी है तो ले लो, कायाकल्प होने वाला है ब्रज का पूरा। समान नागरिक संहिता की बात आपने करी। हाँ, समान नागरिक संहिता तो आना आवश्यक है। ये देश संविधान से चलेगा, कटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है? मुझे लगता है कि वो कुछ उनको मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, तो अखिलेश को जल्दी उनका इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो सपा को साफ करने के लिए स्वामी प्रसाद पर्याप्त।